दीननाथ प्रभु आगमने श्रवण सुन पावा करत मनोरथ आतुर आर। मैंने ऐसा सुना है कि आप हम संतों को दर्शन देने के हेतु इस बल प्रखंड में आए हैं, परंतु आपने अभी तक इस अभागे भक्त सुतीक्षण को दर्शन नहीं दिए। नाथ, ऐसा कौन सा अपराध हो गया मुझसे जो आपने अभी तक मुझे दर्शन नहीं दिए? प्रायः ये संसारवासी कहा करते हैं कि बुलाऊं तो कैसे, वो आते नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कमी है कि दिल से बुलाते नहीं है, क्योंकि राम नाम अति मीठा। सुनो संसारवासी कि राम नाम अति मीठा कोई गाके देख ले, आ जाते भगवान कोई बुला के देख ले। बताया गया सट सुधरे सत संगत पाई। मैं कहता हूं हो नहीं सट संगत जो के जप जावा, नहीं ग्रहण जरा ने कमल सुतीक्षण के सुंदर भजन पर प्रसन्न होकर 20 रुपए पुनः राम राजा बलैरा के भतीजे महेंद्र सिंह कुशवाहा बाबई और 50 रुपए श्री अखिलेश चतुर्वेदी बाबई यानी दाऊ महाराज की ओर से 50 रुपए प्रदान हुए हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और 20 रुपए हमारे परम आदरणीय श्री रघुवर कुशवाहा बाबई निवासी 20 रुपए प्रदान करते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। दर्शन तो होंगे लेकिन होंगे किस रूप में?
लग्न हो तो कोई कार्य विश्व में कठिन नहीं है, लेकिन आज मैं अपने हृदय में दृढ़ संकल्प करता हूं कि जब तक परमात्मा दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। तो अब मुझे परमात्मा के ध्यान में मग्न होना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। मुनि मगबाज अचल हुई वैसा पुलक शरीर पनस फैल जैसा, तब रघुनाथ निकट चले आए। देखी दशा दिन जन मन भाए, भांति जगावा। देखो जानकी, देखो लक्ष्मण, जब हम गंगा पार हुए थे भक्तराज केवट से हमारा मिलन हुआ था। उसकी बातें अटपटी थी, लेकिन एक भक्त ये हैं हमारे, ये स्वयं में बड़े अटपटे हैं। बहु प्रकार से हमने इन्हें जगाने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास निरंतर निष्फल। इन पर कोई असर नहीं, कोई प्रभाव नहीं, जागने का तो नाम ही नहीं लेते। भक्तराज सुतीक्षण जागो ना, देखो तुम जिनकी साधना में लीन हो वही तुम्हें जगाने आया है। भक्तराज भक्तराज कोई प्रभाव नहीं। लक्ष्मण जगाएं तो कैसे जगाएं इन्हें। जागो भक्तराज। देखो ना तुम जिनकी साधना में लीन हो वही तुम्हें जगाने आया है। भक्तराज सुतीक्षण जागो, भक्तराज जागो जागो, क्यों जागते नहीं हो। ये क्यों जागते नहीं हो, जब राम खुद क्यों जागते नहीं हो, जब राम खुद जगाए। तुमको जगाना चाह लेकिन जगाना चाहा।
क्यों जागते नहीं हो, क्यों जागते नहीं हो, जब राम खुद जगाए तुमको, तुमको जगाना चाहा लेकिन जगाना, तुमको जगाना जरा तो खोलो, मैं तो खड़ा यहाँ पर, आगे जरा तो खोलो, तुमने मुझे ना पूछा जाने कहाँ पर, तुमने मुझे ना मेरे ध्यानों में हो बैठे, मेरे ध्यानों में हो बैठे, आसन को तुम लगाए, तुमको, तुमको जगाना चाहा लेकिन जगाना चाहे, तुमको जगाना चाहा क्यों जागते नहीं हो, क्यों जागते नहीं हो, जब राम खुद जगाए तुमको, तुमको जगाना चाहे, तुमको जगाना जागेंगे कैसे? अब तो कोई यतन खोजना चाहिए, ऐसे तो जागने वाले हैं नहीं। यतन क्या? याद आया, भूप रूप तब राम दुरावा, भूप रूप ऐसा आभास होता है इनकी साधना को देखकर, जिस तरह ये मेरी साधना में लीन है तो ऐसा लगता है कि ये अपने अंतर आत्मा में मेरे उस छवि का, कौन सी छवि? भूप रूप का दर्शन कर रहे हैं, तो मुझे वही रूप दिखाना चाहिए। भूप रूप तब राम दुरामा, हृदय चतुर्भुज रूपी दिखावा, मुनि अकुलाई उठा तब झांकी का दर्शन कर रहा था, अचानक अचानक भूप रूप झांकी बिलग हो करके हृदय में चतुर्भुजी झांकी का प्रकाश हुआ, प्रभु हे दीनानाथ, हे कृपा के सागर, अरे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है सुतीक्षण से जो आप इस बन प्रखंड में आए फिर भी दर्शन नहीं दे रहे नाथ? हेलो, आवाज है तो आ रही हूं। भगवान कैसे तो आए नहीं होंगे, कैसे तो आई नहीं पे कहूं कहू के मीना मछिया पे पाँव पड़ेगा तो वहीं फका उड़ जाए, इतने इतने ऐसे आए ना होंगे, कहते कबाल लगी यात्रा से आनी पे यात्रा बड़ौदा पर भटोल में से वहां जाओ मैं से। भगवान यदि आप भगवान हैं तो ये भी भक्त है, और ये प्रमाण है कि जब जब भक्त ने बुलाया तो भगवान को नंगे पैरों दौड़ के आना पड़ा, और भगवान बहुत उपाय हो गए, अब तो ये कहीं छुरछुरिया बची चल रही तो ठीक है, वो नहीं चल रही तो हमाओ फटाका सो चल रहा,
भगवान यदि आपने तीन तक गिनती में दर्शन नहीं गए तो फिर मैं खुदकुशी कर लूंगा। खुदकुशी कहते किसे, जब प्राणी की खुद की खुशी ना हो तभी लोग खुदकुशी किया करते हैं। तो भगवान तीन तक गिनती गिन रहे, वो तीन तक गिनती में तुम आ रहे तो आ रहे, और नहीं आ रहे तो फिर हम आ रहे, तू वही रास्ता में मिले। एक जाने कैसे उल्की परे फांसी लगा लिए थे, हमारे तो तनक ही देर में आखन किया गई अंधेरों छागा। लेकिन सुतीक्षण मरते क्या नहीं करते, या तो परमात्मा की प्राप्ति जिंदा में होंगे, नहीं हुए तो मरे में कोई रोक नहीं पा रहा हूं। दो भगवान पौने की चरण लागी प्रेम मगन मुनि बर बल भागी गलिए उठाई परम प्रीत राखे और लाई। देखो भक्त भगवान का मिलन है, नहीं जल्दी आ गए, नया कौन रुक जाते, तना कौन सीधे तेरे ही नहीं आते। जल्दी आ गए, आना पड़ा। चलो ठीक है, तुमने ऐसा कदम ही उठा लिया क्या? हाँ सही है, तना कौन रुक जाते, सो कदम ही उठा गए थे हमारे। इधर आओ इधर आओ, ये क्या कर रहे थे? हम खुद खुशी। खुद खुशी? हाँ क्यों? का जब आपके दर्शन ही नहीं हो रहे, बताओ ऐसी ऐसी लपट में फिर रहे हम नंगे उभारे। इधर देखो। हाँ तो इसका मतलब तुम्हें हम पर विश्वास नहीं। भगवान विश्वास था इसलिए तो ये कदम उठाया, और आप भगवान कम नहीं है परम हो। परम है, जब तक भक्त की जा दशा ना आ जाए तब तक आप तो नहीं आते। जैसा तुम कहो तुम्हारे लिए सब शोभा देता है। भगवान क्या कह रहे, अकेले ही आए? इधर आओ इधर आओ। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है। संसार की ये प्राणी बिना सोचे समझे ये कदम उठा लेते हैं, लेकिन इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें और तुम्हें बड़े भाग से मनुष्य का तन प्राप्त हुआ। जवाब तो सही है। व्यर्थ में हम इस तन को, जिस तन के लिए देवतागण भी तरसते हैं, व्यर्थ में इस तन को ऐसे ही गवा दे सुतीक्षण, ऐसा विचार पुनः अपने मस्तिष्क में दोबारा कभी न लाना। ठीक है भगवान, एक बात बताओ, अकेले ही आए? किसने कहा तुमसे ऐसा? फिर तुमने किसे किसे बुलाया था? हमने जीके जीके बुलाओ तो हम तो समझ लो अनुज सहित। तो मैं अकेला नहीं आया? फिर आओ मैं तुम्हें मिलाता हूँ, कौन कौन मेरे साथ आया। तू है तो कहीं से बता दो। ना ना इधर से नहीं, आओ साथ में आओ। ये देखो समझ गए तुम? बिल्कुल अम्मा। हाँ सही पहुंचे सुतीक्षण, तुम बड़ा समझदार है हमारा भक्त सुतीक्षण। अरे बस कैसे, इधर आओ। बस बस क्यों कर रहे हो?
अभी कोई साथ है, आओ मैं तुम्हें मिलाऊं। कक्का। बड़ा समझदार है, बिना बताए संकेत में ही सारी बातें समझ जाता है। मिल लो किधर कहते हैं, जाओ तिरछे मिलो, तिरछे नहीं सामने मिलो, हृदय से हृदय मिलेगा, इधर आओ। ये तो दो आदमी आए, तुम अकेले का हो? हम सेवक हैं। तुम्हारी यहाँ का चलेंगे वहाँ? ऐसा है हाँ, कि हम बन प्रखंड में आए हाँ, तब से हमने एक व्रत ले लिया है। तुम पास ही रहत? हाँ कह रहे तीजा में है नहीं, करवा चौथ आई नहीं, ऐसा कौन सा पास है तुम्हें बताए? हाँ हमारा एक व्रत चल रहा है, 14 बरस की यात्रा में हाँ, निद्रा को त्याग दिया, भोजन को त्याग दिया है? हाँ और क्या, इसलिए तो बस निद्रा और भोजन त्याग होगा बस। हमने तो औरों कछु सुनी थी, क्या बताओ जाने, हमने सुनी थी क्या नींद नारी भोजन है पर हरी नारियों को त्याग कर दो, सब कुछ त्याग दिया। वो कल रही लोबा का को वो तो किसको भगवान आप आए हो, पैदल आए फिर कच्ची गाड़ी पे बैठ के आए का तो थके नहीं है तो भगया फिर यहीं को हमें क्या लग रहा था भगवान ज्यादा दिन से घर से निकले हो? सही पहचाना तुमने, नहीं हमने चीन लो तुम्हारी चाल बदल गई, बड़े श्रमित हैं। एक काम करो तो आप बैठो, व्यवस्था कहाँ? अरे व्यवस्था सबसे हटके हटके व्यवस्था। हाँ मैंने आपके लिए एक आसन बनवाई जिसका नाम भी रखा मेरे लिए, हाँ उसका नाम ही है श्री राम आसनी। वो है जिस समय बनवाई थी उस समय भीषण प्रतिज्ञा की थी, कैसी कि जब तक उस पर आप नहीं बैठेंगे तब तक ना मैं किसी को बैठने दूंगा ना मैं स्वयं बैठूंगा। इसका मतलब आज तक उस पर कोई नहीं बैठा ना, आपके अलावा कोई बैठ ही नहीं सकत है कहा? आपके अलावा आज दिन तक ना कोई बैठो है ना बैठ। तो भक्तराज मैं देखना चाहता हूं वो आसन है कहां? अच्छा इस पर आज तक कोई नहीं बैठा ना, तुम बैठे कोई बैठे ही नहीं, फिर तुम ये क्या कर रहे हो? कोई नहीं बैठा हमारे अलावा, ये तुम्हारी भीषण प्रतिज्ञा थी। भगवान आपके आने की सुध में मैं तो ये भी भूल गया, भगवान बैठो पधारो। निज आश्रम प्रभु आन कर पूजा विधि प्रकार। ओ कक्का तुम आसनी पे बैठ जाओ, ठड़ा पे बैठ जाओ, ठीक हो अम्मा? ठीक हो ठाकुर जी आ गए, अब गुरु जी का करते उठाके पटकते? नहीं इन्हें नहीं पटको, नहीं तो ठाकुर जी चटक जे। याद आया गुरु जी स्नान कराते थे, लगता है भक्तराज सुतीक्षण तुम क्रम भूल रहे हो। भक्तराज कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपना क्रम भूल रहे हो? भगवान ठाकुर जी को स्नान कराने से पहले तुम्हारे गुरु भगवान स्वयं स्नान किया करते थे। भगवान सपल्लु, अरे तुमने तो अभी स्नान किया नहीं, प्रथम में तुम्हारे गुरु जी स्नान किया करते होंगे, याद करो। भगवान
स्नान करते का भी तो पथरा की अति सालक राम। अब हम इतने भी अभागे नहीं है कि आप यहाँ पर आ गए हो, हम ये समय स्नान करने में नष्ट करें। ये ऐसा शुभ समय, बड़ा भाग्यशाली होता है वो जीव जिसको आपके दर्शन हो जाए साक्षात्कार में। नहीं सफर हो, बहुत सुंदर, नहीं सफर हो कक्का, तो तुम सफल लो। अरे हम तीनों प्राणी जिस समय तुम्हारे पास आ रहे थे, हाँ। मध्य मार्ग में बड़ा पावन शीतल जल बह रहा था, हम तीनों प्राणी वहीं स्नान करते हैं। कहाँ? रास्ता में, मार्ग में, सरता में। अच्छा, अवश्य। हम नहीं मान, हमें तो ऐसे लग रहा है जासे तो नहीं कह रहे कि हम लपटिया ना जाए। अरे ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो अम्मा से पूछ, बिल्कुल पूछो। अरे आए, हाँ अम्मा सोच रही कि आज सुतिक्षण में लगाए, कल से फिर नहीं के संग रहने। तो भगवान हम आपके चरण पखाल लें। अरे बिल्कुल तुम्हारे लिए। अम्मा चरण पखाल ले, अब गुरु जी का करते, भटा करते। इधर देखो, हम बताएं क्या करते थे? क्या करते थे? भोग लगाते थे, भटा लगाते, पहले आरती करते थे। देखो तो कहां से ये भगमरा भगवान आए थे, ये खावे की परी ने खावो दिखा रहा हूं। भक्तराज सुतिक्षण, वास्तविकता बहुत तेजी से भूख लगी तो है, पहले आरती कर ले, चलो कर लो। भूख लगी है, भीतर 12 पूरी पेले आए तो भूख लगी। गुप्ता जी को आ दो, तसला हिला दो। भक्तराज, आज तो लक्ष्मण भी कंदमूल लेकर नहीं आया, सत्य कह रहा हूँ। तुम्हारे बल पर मैं दौड़ा दौड़ा यहाँ चला आया कि भक्तराज ने अवश्य मेरे लिए सुंदर से भोग का प्रबंध किया होगा। चिस, चिस, मा चिस। हाँ। मिलक जा, मिलक जा, मिलक जा, मिलक जा। ये कैसी माचिस दे जाए, पोलियो होगा क्या? अगरबत्ती तू मेरी मिलक जा, जल जा रे, जल जा रे, नहीं जग जे मोनी मोना। मिलक गई, मिलक गई, मिलक गई, मिलक गई। कि जय जगदीश हरे, हरे नहीं, के जय जगदीश पीरे, पीरे कक्का तुम ज्यादा परेशान का हो गए, हाथी को पत्ता तड़ा रहे हैं। कि जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, और भक्ति जनों के संकट छेदे में है, छेद में नहीं, सालन में दूर करे, करे जिनके छन में करे हुए बेकाए, सुती क्षण के सालन में दूर करे। जय जगदीश आरती हो गई, अगरबत्ती लगा दो। भक्तराज, ये क्या कर रहे हो? कहां, ये इनका स्थान नहीं है। ये लो, गुरुजी तो वहीं खोर से देते, ऊपर छेद है तो इनके, अब ऊपर छेद नहीं मिल रहा, ऐसा तो नहीं है ठाकुर जी उल्टे धर गए हुए, दब तो नहीं गा। अगरबत्ती लगा रहे, ये उनका स्थान नहीं है। फिर स्थान वहां है उनका,
और जो बात सही है कि बे ठाकुर जी थे पथरा के, हाँ जी साक्षात हेंगे। तुम तो स्वयं में इतने समझदार हो, फिर भी समझाना पड़ रहा है। पिलक गए कहूं तो ले चुनो, तुम खुश लो। देखा लक्ष्मण, कहा जा रहा है भक्त जनों के संकट सालन में दूर करे। आरती हो गई, अब गुरु जी कहा करते, अरे भोग लगाते थे और क्या करते थे, कितना के भूखे फिर रहे। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, हमने कहा बहुत तेजी से भूख लगी की परी, भोग लगाते थे, मैंने आपके लिए प्रसादी बनाई है। तुमने उसका नाम भी रखा क्या, श्री राम प्रसादी। अरे लाओ पाओ। बिल्कुल धर गए थे का, समझो अब हमारे लिए बनाई है। इधर आओ, वहां क्यों जा रहे हो। अरे लाओ भाई पाओ, नहीं देखेंगे तो देख लो, पास से देखेंगे। इनसे साजी तो पत्थरी की हते कि आराम से नेक चिपका दूँ ना कोई, हैं भी तो सीधे ठूंस भी को बैठे पाल। क्या कर रहे हैं अंगुलियां मुराऊ तो को, बड़ा स्वादिष्ट भोग है। कैसी है, कैसी है, बहुत सुंदर, बड़ी कैसी है, बहुत सुंदर, अच्छी है, अच्छी है, कच्ची है, बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा अच्छी है, हमने समझी कच्ची है। रुक जाओ देख ले, अंदर जाओ, मैं कछु कीड़ा पतिंगरा तो नहीं गिर गया। अरे तुम उसकी चिंता ना करो, सब खा जाओ। तो भाव मो भाव मो भाव, लक्ष्मण तुमने भोग नहीं खाया सुतीक्षण के हाथों से, कहीं ऐसा ना हो ये बुरा मान जाए। इधर आओ। हाँ लक्ष्मण नहीं खा रहा, उसने व्रत लिया है। कोई बात नहीं, तुम चिंता ना करो, वो भोग हमें दे दो। क्या रामलीला है, बहुत बड़ी असंग है जो तो खाते रह। ऐसा तुम क्यों कह रहे हो, तुम्हें भी भूख लगी होगी। नहीं लगी, कब, प्यारे भक्तराज सुतीक्षण, तुम्हारा ये भक्ति भाव देखा, ये समर्पण भाव देखा, मैं प्रसन्न नहीं परम प्रसन्न हो गया। हमें पता है कि आप परम हो। परम नहीं हूं, परम प्रसन्न हो गया। हाँ हाँ वही वही। कहो तुम्हारी क्या कामना है, क्या लालसा है, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूंगा। परम प्रसन्न जान मुन मोही, हाँ? मांगहु वर भाय जो तो ही। क्या चाहते हो तुम। हे प्रभु मैं वर कभू न याचा, समझ ना पड़े झूठ के साचा। मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ वरदान होता क्या है, सत्य होता है या मिथ्या होता है, इसलिए तुम्हें तुम्हारी नीत लागे रघुराई, सो मोह देव दास सुखदाई, जो आपको चित लगे वो प्रदान प्रदान। बिरल भागा बीरती भी क्या ना, बिरल भागा बीरती भी क्या ना, हो सकल गुण ज्ञानो निधान। दीनानाथ जब से आपने मुझे ये वरदान दिया है तो मेरे हृदय में ऐसा लगता है कि मैं ज्ञानवान हो चुका हूँ। क्या तो जो दीना सो बर में पावा, परंतु अब जो देव मोह जो बाबा। क्या चाहते हो। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम, ममोहिये गगन इंदु यव।
बसाओ सदा नियता एवं अस्तु। एम मस्त कहे रमा निवासा हरत चले कुंभजरी सीपा भद्रा सुदीक्षण। मैं महामुनि अगस्त जी के पास जाना चाहता हूँ। क्या? हाँ हाँ, कुंभ ऋषि के पास जाना चाहता हूँ। विदा करें आप। मतलब खाएंगे करेंगे गाय गीत जी चले चेत गमी। अरे अब हमारा तुम्हारा मिलन हो गया। कहाँ जा रहे हैं आप? कुंभ ऋषि के पास। आ भगवान, वही तो हमारे गुरु हैं। क्या कहा, गुरु है? हाँ। फिर तुम गुरु चरणों से दूर क्यों रहते हो? भगवान इसका कारण है। क्या कारण है? एक तो है सत्य कथा, एक है मनोहर कहानी। लेकिन मनोहर कहानी छोड़ो, सत्य कथा सुने आप। भगवान एक समय जब मैंने अपने गुरुदेव भगवान से गुरुदीक्षा ली तो मैंने कहा भगवान अब आप गुरुदक्षिणा ले ले। तो हमारे गुरुजी बोले सुतीक्षण प्राय संसार में धन दौलत गौ इत्यादि सभी से क्या करते हैं, यदि तू मुझे गुरुदक्षिणा देना ही चाहता है तो जा एक दिन मुझे मेरे ठाकुर जी से मिलवा देना, वही तेरी सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा होगी। बहुत सुंदर। तो भगवान आप जा रहे हैं? बिल्कुल। हम मंगलवा चलो चलो ना। अब प्रभु संग जाऊं गुर पाही मुहे कहो नाथ ने हो रहा नाही। मैं तो यही चाहता हूं कि आपको ऐसे ही देखता रहूं, परंतु जो नियम है उसका पालन तो करना ही पड़ेगा। चलो इसलिए आप आए। आओ भक्तराज। लगता है भगवान जैसे गुरुजी ने पूछी और कैसे आए। कैसे आए? हाँ को ले आओ। कौन लाया? हाँ। ये कहूंगा मैं अपनी इच्छा अनुसार आपसे मिलने आया हूँ। अच्छा, आधा किलो बूंदी पर रेट गए अपनी इच्छा से आए, हमारी प्रसादी दे दो। ऐसा कहीं होता है? ऐसा ही होता है। तुम्हारी प्रसाद को तो मैं पान कर चुका हूँ। तुमने कहा रहो संभव है ये? हाँ है। मतलब पहले नहीं सोची जो भक्त कितना सिर रही है। तो हम करें आज के जमाने में जब कह रहा पानी दुनिया पवा दे तो खबात को लगेगा कछु ना कछु स्वारा तो जबई खबात। देखिए अब प्रसाद तो मिल नहीं सकता। हाँ। तुम ये बताओ हमें करना क्या हो? गुरुजी पूछे कौन लाया तो कह देना सुतिक्षण लाया। अच्छा तो हमें झूठ बोलना पड़ेगा? नहीं बोलना तो हमारी प्रसाद ही दे दो। नहीं नहीं, तुम अपनी इच्छा से जा रहे हो, जो हमारी प्रसादी धर जाओ। चलो 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 ठीक है, मैं यही कहूंगा मुझे भक्तराज सुतीक्षण लेकर। और अब ओते तनको देर कर दी, वही प्रसादी धरवा ले हम। चल आ जाओ। चलते चलते आश्रम में आ चुका हूं। भगवान आप यहाँ ठहरे, वहां नहीं, यहाँ यहाँ ठहरो और कहीं द्वारे पे रोको। अरे 20 रुपए इस चलते हुए प्रसंग पर श्री राम राजा बड़ेरा के भतीजे महेंद्र सिंह कुशवाहा ग्राम बाबई और 20 रुपए राजू कुशवाहा पेटी मास्टर बाबई की ओर से 20 रुपए प्रदान हुए हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। बस मैं गुरुदेव भगवान से आज्ञा ले लूं आश्रम में जाकर के। बोलो करत स्तुति क्षण गुरु पह गया गुरुजी कर दंडवत कहा तो अस भयाऊ। भगवान सुतीक्षण भगवान आश्रम में आए हो। हाँ। वचन जो दिया था। हाँ। क्या वो पूर्ण हो गया? हाँ पूर्ण हो गया। कहाँ? ठाकुर जी को ले आए। बताओ कहाँ? कोठी में खुर से। बताओ ये व्यंग है इसका, इसी से हम परेशान सदैव रहते थे। देखो नाथ कौशलाधीश कुमारा आयो मिलन जगत आधारा, जगत के आधार स्वयं चल करके मिलने के लिए आए। तो कहाँ है? आओ भगवान दर्शन करना चाहिए। सुनत अगस्त तुरंत उठ धाये हरि बिलो के लोचन जन बूंदी 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 ले आ रहे आ रहे आ रहे सुतीक्षण। अरे नाली है मैं बड़ा लालायित हो रहा हूं दर्शनों के लिए। मुनिपति कमल परे दौ भाई ऋषियति प्रीति लिए और लाई। अरे सुतीक्षण ये तेरे जमाय में जीवन में कैसा समय आ चुका है, तू तो बड़ा ही भाग्यशाली है कि गुरु गोविंद दो खड़े
सो काके लागे पाए, लेकिन बलिहारी गुरु आपकी सो गोविंद यो मिलाए। बोलिए गुरुदेव भगवान की। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, भक्तों में तुम्हारा प्रथम स्थान होगा सतीक्षण। जय भक्ति को आसन पर बैठा ज्ञानी। आप आसन से सुशोभित करें भगवान। गुरुजी हम आश्रम में जाएं। जाओ, हम बहुत प्रसन्न है, जो कुछ तुम्हें जीव में भाई वो खाओ। हम प्रसादी बना ले आए। जाओ, बिल्कुल प्रसादी बना ले आए। बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर। पूछ लो इनसे, पूछ लो कुल वाले, आप पूछ लो, वो हम जानते हैं। कुल वाले अब पूछ रहे गुरु जी प्रसादी प्रसादी बूंदी बूंदी सती क्षण पूछ लो। तुमने जितने भी प्रयत्न किए हो बूंदी लेके आए हमें। हाँ, अब दया करो। ठीक है गुरु जी, तुम्हारी इच्छा, भक्त की इच्छा भगवान पूर्ण करता है। तुम्हारी इच्छा है, उन्होंने कृपा कर दी है। हम जा रहे हैं आश्रम में, बगज्जा भी गई है। हाँ, जाओ का भाई सेवा करो। बड़ा पड़ी है बछड़ा, जाओ बछड़ा। देखिए ऐसे ही संतों को भगवान का दर्शन होता है, जब अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ जो परमात्मा को चाहने के लिए निश्चित कर लेता है। आज सुतीक्षण के द्वारा परम पिता जगदीश का हमें दर्शन प्राप्त हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, हमारा यह आश्रम भी पवित्र हो गया। भगवान यदि कोई सेवा में कमी रह जाए तो क्षमा कर देना, आपका कोई भी स्वागत नहीं कर सकता है। उसकी वर्णमाला में कोई ऐसे सुंदर शब्द नहीं है जो आपके सम्मान के लिए प्रस्तुत किए जाए, लेकिन आपकी जो भी इच्छा हो आप कहे प्रकट करें। हे श्रद्धे, जब से मैंने इन चरणों का दर्शन किया, देख पाए मुनिराज तुम्हारे भय स्वकत सब सुखद हमारे। आप तो भली भांति जानते हैं कि मैं इस वन प्रखंड में किस लिए आया हूँ, क्या करना चाहता हूँ। तुम जानो जी कारण आयो, ताते तात ना कही समझायो। मैं आपको भला क्या समझा सकता हूँ, बस आपसे मैं इतना चाहता हूँ, अब सो मंत्र दे हो प्रभु मोही। हमें आप ऐसा मंत्र प्रदान करें जो मैंने प्रण लिया है, निश्चरहीन करूं मैं भुज उठाए प्रण की। और मैं ये भी जानता हूं जब तक आप जैसे महान संतों की हम पर कृपा नहीं होगी, तब तक सहज में हमारा वो प्रण पूर्ण नहीं होगा। तो दया करें, कृपा करें, अब सो मंत्र देह प्रभु मोही, जे ही प्रकार मारा हूं मुनि द्रोही। मुझे मंत्र देना, मैं यही आपसे चाहता हूं, और कुछ दिवस निवास बनाने के लिए कोई स्थान बताए। भगवान धन्य है आपकी भक्त वत्सलता को। आप साधारण मानव की बात पूछ रहे हैं क्या? कोई आप साधारण है? ते तुम सकल लोक पर साई, पूछो मोए मनुज की नाई। तुमरे भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। थोड़ी महिमा जब आ जाती है, जब भक्ति करता है प्राणी, तभी उसको आप जनाई दे देते हैं। तो आपने जो कृपा हमारी पर की है ये हम जानते हैं, लेकिन इतना कहीं ये संसार सब माया के वशीभूत है, कुछ नहीं जानता। ना तो अंदर से बाहर आ सकता है, ना बाहर से अंदर आ सकता है। एक गूलर फल के समान है ये ब्रह्मा ब्रह्मांड, जिसमें जंतु प्रवेश करते हैं, भीतर बसे न जाने आना। लेकिन हम चाहते हैं जब आप आ गए तो कुछ ना कुछ आपसे प्राप्त कर लिया जाए। जीवन में प्रथम बार ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो यह बार मांगो कृपा निकेता, और हृदय बसाओ श्री अनुज समेता। जय हो। अब आपने कहा हमें जाना कहाँ है, हमारे लिए स्थान कहाँ है, वो भी हम आपको बताते हैं। जहाँ से दिग्द्रोहियों का कार्य प्रारंभ हो जाएगा, है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी निराऊ, वास करो ते रकुल राया, की जो सदा मुनन पर दाया। आप जाएं दंडकारण को सुशोभित करते हुए, उसको जो श्राप लगा है श्राप को मोक्ष करा करके उसको पुनीत करें। ये आपके ही पूर्वजों से वो श्राप। जय हो आपकी। इसलिए आपसे हम निवेदन ये करना चाहते हैं, जो भी मेरे पास अस्त्र है वो विद्या हम तुम्हें प्रदान करते हैं, जिससे दिग्द्रोहियों का विनाश हो जाए। आओ जानकी, आओ लक्ष्मण। चले राम मुनि आए सुपा।